अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज डक पॉइंट से लेकर बाबे सैयद गेट तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। और इसी क्रम में एमयू की वाइस चांसलर नईमा गुलरेज के नाम प्रॉक्टर वसीम अली को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में छात्रों ने 72 घंटे के अंदर छात्र संघ चुनाव कराए जाने की डेट की घोषणा किए जाने की मांग की और छात्रों का कहना है कि पिछले 6 वर्ष से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र चुनाव नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से छात्रों की आवाज को दबाने का कहीं ना कहीं कार्य किया जा रहा है। कहा कि अगर एमयू प्रशासन की ओर से छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग नहीं मानी गई तो वह रणनीति तैयार कर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। देखिए, मेरा नाम नवेद है और मैं 2018 में कैबिनेट रहा हूँ, मतलब आउटगोइंग यूनियन जो थी। उसके बाद से अब तक यूनियन के इलेक्शन नहीं हुए क्योंकि कोविड भी था, बहुत सारी चीज़ें थी, ट्रांजिशन फेज चल रहा था। तो अब यूनिवर्सिटी खुली है और बच्चों के आए दिन कुछ ना कुछ मसले रहते हैं, तो प्रॉपर तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि बच्चों के कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो एकेडमिक हो या कोई भी हो, देखिए तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, वहाँ तक बात पहुँचाने के लिए एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो कि यूनियन हमेशा से वो काम करती आई है। और आज भी जो प्रोटेस्ट था वो वही था और इससे पहले भी कई प्रोटेस्ट हो, मानती है तो प्रोटेस्ट जो लार्ज लेवल पे अगर होगा तो उसको दिखेगा कि जो छात्रों के हित की बात हो रही है, मात्र कुछ ही चंद लोग आए जिनके द्वारा जो है। देखिए, अभी यूनिवर्सिटी ओपन हुई है, बहुत सारे न्यू बच्चे आए हैं, वो अभी इस चीज़ से अवेयर नहीं है, लेकिन देखिए जो पुराने हैं, जो पुराने सीनियर्स हैं, उन्होंने इस जो पास्ट प्रैक्टिस में चीज़ें रही हैं उसको एक मेमोरेंडम की शक्ल में जो है ऑनरेबल मैडम वाइस चांसलर के लिए रखा है। आप देखिए, हमें भी अच्छा लगेगा, जो भी वाइस चांसलर रहा है वो यूनियन का चीफ पैट्रन रहा है और चूंकि वो लेडी वाइस चांसलर और फर्स्ट लेडी वाइस चांसलर हैं तो हमें भी वो अच्छा लगेगा कि वो यूनियन की चीफ पैट्रन एज अ फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बने। किस तरह का प्रोटेस्ट है और क्या डिमांड है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम इंजमामुल हक है, मैं लाइब्रेरी साइंस एंड रिसर्च स्कॉलर हूँ। आज आपने देखा, आपके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, आज इस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया था कि प्रॉक्टर साहब के भी हाथ फूल गए देख करके, गैदरिंग को देखकर प्रॉक्टर साहब के भी हाथ फूल गए। क्यों? के कहने लगे कि स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के लिए हम करा देंगे, मतलब ऐसा लग रहा था उनको, मतलब ये है कि जो मेरे सुनने में आया था, कुछ लोगों ने कहा था प्रॉक्टर साहब ऐसा कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट यूनियन करा देंगे। अच्छी बात है हमें, और हमें उम्मीद है मैडम से भी कि मैडम भी, जब प्रॉक्टर साहब ने इस बात को कह दिया है तो मैडम भी कह देंगे कि हाँ चुनाव हो जाएगा। 72 घंटे का हमने अल्टीमेशन दिया है, ये मेमोरेंडम है, मैंने मेमोरेंडम पूरा पढ़कर सुनाया है और उस मेमोरेंडम में जो जो बात लिखी है हम उस पर बात पूरे अमल रहेंगे करेंगे, जिसमें 72 घंटे का अल्टीमेशन दिया हुआ है, उस 72 घंटे के बाद हमें क्या एक्शन लेना है उसके बाद हम देखेंगे। हम चाहते हैं कि मैडम किस तक ये लेटर पहुँचे और मैडम इस बात को पूरे गौर से देखें और सुने इस बात को कि आखिरकार स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। आखिरकार 6 साल हो चुके स्टूडेंट यूनियन को इलेक्शन को ना हुए, ऐसी क्या वजह रही है? तारिक मंसूर साहब वाइस चांसलर रहे, उसके बाद वाइस चांसलरशिप की चेयर बदल जाती है, आज नईमा मैडम वाइस चांसलर हैं और मैडम को मतलब ये है कि देखना चाहिए, जब चेयर बदल जा सकती है तो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते 6 साल में। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब पार्लियामेंट के इलेक्शन टाइम टू टाइम हो सकते हैं तो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते टाइम पर? जब विधानसभा का इलेक्शन हो सकता है टाइम पर, उपचुनाव टाइम पर हो सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का टाइम पर? तमाम सारे ऐसे ईसी की मीटिंग टाइम पर हो सकती है, एसी की मीटिंग टाइम पर हो सकती है, सारे यूनिवर्सिटी के मुद्दे टाइम पर हो सकते हैं, नहीं होता सिर्फ स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन आखिरकार क्यों नहीं होता? तो हमारी यही एक लड़ाई है कि हमें स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन चाहिए और ये है हक हमारा और हम लेकर रहेंगे। ये देखिए, मैं आपको पहले ही क्लेरिफाई कर दूं कि ना कोई एहतजाज है, ना कोई प्रोटेस्ट है, ना कोई मार्च है, सिर्फ ये 3 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने हमको एक मेमोरेंडम के फॉर्म में दिया है जिसमें सिर्फ 3 सिग्नेचर या 4 सिग्नेचर हैं आउट ऑफ 35,000 स्टूडेंट्स। ठीक, यूनिवर्सिटी के अंदर जो बोनाफाइड लड़के हैं उनकी तकरीबन तादाद 35,000 है, इस 35,000 में आपके सामने मेमोरेंडम है, इसमें 4 सिग्नेचर हैं और वो
स्टार सिग्नेचर के साथ एक एप्लीकेशन दी गई है कि हमारी डिमांड यह है कि स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए। अब इसके बारे में मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि यूनिवर्सिटी किसी भी जो इंस्टीट्यूशन है वो ऐसा नहीं कि उसको कोई डिफंक्ट रखना चाहती है, लेकिन हर काम यूनिवर्सिटी का जो है वो इन द लार्जर इंटरेस्ट होता है और प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंसेज होते हैं हर काम के। यूनिवर्सिटी के अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, पहली प्रायोरिटी है कि यूनिवर्सिटी के जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, एग्जामिनेशन है, एडमिशन है, क्लासेज हैं, ये सारी चीज़ें ठीक ढंग से चली जाए। इसके बाद में जो और भी चीज़ें हैं उस पर भी यूनिवर्सिटी वक्तन फोक्तन गौर करती रही और नो डाउट गौर करती रहेगी। अगर ये एक लार्जर यानी एक लार्जर इंटरेस्ट में कोई चीज़ होगी तो डेफिनेटली उस पर गौर किया जाएगा, और अगर कोई भी चीज़ लार्जर इंटरेस्ट में नहीं है मौके के हिसाब से तो उसको यूनिवर्सिटी उस पर कोई फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करती है और ना करना चाहिए। क्या मानते हैं छः वर्ष में यूनिवर्सिटी को ऐसा कभी नहीं दिखा के छात्रों के हित की बात छात्र संघ चुनौती होता है? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक के 6 वर्षों की बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कहा नहीं कि यूनिवर्सिटी की जो प्रायोरिटीज़ हैं और जो उनका अपना जो यूनिवर्सिटी की जो प्राथमिकता है उनके आधार पर फैसले यूनिवर्सिटी में लिए जाते हैं। तो छात्र संघ चुनाव क्या बहुत से देखिए ऐसा है, देखिए और भी बॉडीज यूनिवर्सिटी के अंदर हैं जो कई सालों से जवाब नहीं हो पाई हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत से फोरम हैं जिसका इलेक्शन नहीं हो पाया है, तो ऐसा नहीं कि इस इलेक्शन के ना होने से यूनिवर्सिटी के एकेडमिक एक्टिविटीज़ या लड़कों के करियर पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है, तो इस वजह से ऐसी कोई, लेकिन अगर ये डिमांड आती है लड़कों की तरफ से और यूनिवर्सिटी डेफिनेटली इस पर गौर करेगी और जो सही समय होगा वो सही समय पर सही फैसला इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी लिया जाएगा, मैं जो समझता हूँ। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए 80 न्यूज़ इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।